पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। आपको याद होगा 2 साल पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था और तब हर कोई हैरान था, परेशान था कि ये 26 की उम्र जो है किसी भी खिलाड़ी के पीक पर जाने की उम्र होती है और उस वक्त उस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया था। और उसके बाद उन्होंने उनके पास वक्त था इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का, 3 दिन के 4 दिन के मैच खेलने का उनके पास वक्त था, लेकिन अपनी कंट्री से को रिप्रेजेंट करने का उनके पास समय नहीं था। और अब जो है उन्होंने पीसीबी पर आरोप लगाए हैं कि पीसीबी ने मेंटल टॉर्चर किया है उनका, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम की घोषणा की गई थी उसमें मोहम्मद आमिर का नाम नहीं था, इससे वो पूरी तरह से विचलित हो गए और उन्होंने तो यहां तक कह दिया, ना सिर्फ उन्होंने पीसीबी पर आरोप लगाया बल्कि यहां तक कहा कि जो टीम है उसमें एक पूर्व चेयरमैन जो थे पीसीबी के नजम सेठी वो उनके पक्ष में थे और उसके अलावा शाहिद अफरीदी, इन दोनों को छोड़कर कोई भी नहीं चाहता था पूरी पाकिस्तान टीम में कि वो टीम में रहें, उनके साथ उन्हें खेलने का अवसर मिले। तो ये सारी चीजें बहुत ही गंभीर आरोप हैं उनके और मैं तो कहूंगा पहले आदमी को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री जिसने आपको बहुत कुछ दिया, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान में लोग मोहम्मद आमिर के फैन है, फैंस की संख्या कम नहीं है, आप याद कीजिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन तीनों के उन्होंने विकेट चटकाए थे और एक तरह से भारत से जीत को उन्होंने छीन लिया था। तो एक ऐसा खिलाड़ी, और मुझे तो याद आता है 2010 का वो दौरा ऑस्ट्रेलिया का जहां एक मैच में उन्होंने 88 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पुलिंदा बांध दिया था और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो एक ऐसा खिलाड़ी खैर उनके टैलेंट पर तो कोई संदेह नहीं है, नाम किसी तरह की उंगली उस पर उठाएंगे, लेकिन उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है वो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद आमिर जो है जब इन पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए जब बैन लगा था और बैन के बाद वो लौटे थे तो पीसीबी ने ही उनका साथ दिया था। हालांकि ये सब बताने का मकसद हमारा, हम पीसीबी की कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर को ये सोचना चाहिए कि मुल्क से बड़ा कुछ नहीं होता और आप मुल्क के लिए अगर आप पहले आप टेस्ट से रिटायरमेंट लेते हैं, फिर 28 की उम्र में आप हर तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद आप ये भी घोषणा करते हैं साथ ही कि जो फ्रेंचाइजी लीग है उसमें वो खेलना जारी रखेंगे। अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग में वो खेलकर आए हैं, तमाम इसका मतलब है कि आपका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसे के अलावा आप कुछ नहीं सोचते। अगर आप हिंदुस्तान में होते तो आपको दोबारा कमबैक करने के बाद का अवसर भी ना मिलता, क्योंकि यहां पर जितने खिलाड़ी इस तरह के दोषी पाए गए उनमें किसी भी खिलाड़ी को भारतीय टीम से दोबारा खेलने का अवसर नहीं मिला, चाहे वो पंचाट में गए हों, चाहे किस तरह के आरोप लगे हों। लेकिन पाकिस्तान में पीसीबी ने एक बोल्ड स्टेप उठाया कि एक युवा टैलेंट जो उस वक्त चीजों को समझ नहीं पाया था और उसने अनजाने में कुछ अपराध कर दिया, उसकी पैरवी उन्होंने की और उसको टीम में जगह दी। अब मोहम्मद आमिर को मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी ये सब रिटायरमेंट लेकर सिर्फ पैसे के पीछे भागना, मैं तो बिल्कुल इसको मुनासिब नहीं समझता। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।